अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा के रामान मंदी के गांव बंगीराना के एक युवक द्वारा आज की गई आत्महत्या का कारण कुछ लोगों द्वारा युवक का साथ की गई मारपीट बताया जा रहा है। युवक के घर वालों द्वारा सिविल हॉस्पिटल में पुलिस के खिलाफ किया गया रोष प्रदर्शन। बातचीत के दौरान लड़के के भाई ने बताया कि मेरे भाई राजेंद्र सिंह के साथ हमारे ही गाँव के एक चरने नामक डॉक्टर ने मारपीट की थी। मारपीट की वजह बताते उसने बताया कि चरने डॉक्टर के घर पर एक सुनियारे ने कमरा किराए पर लिया था, जिसे मेरे भाई मृतक ने उसे अपना कड़ा पॉलिश करने के लिए दिया हुआ था। जब मेरा भाई कड़ा वापस लेने सुनियारे के पास पहुंचा तो सुनियारा दो तीन अपनी जगह पर नहीं मिला। जब वह सुनियारे के पास दोबारा गया तो चरने डॉक्टर ने उसकी पिटाई की। पिटाई की वजह बार बार चरने डॉक्टर के घर में बनी सुनियारे की दुकान पर चक्कर मारना थी। उसने बताया कि उसके बाद उसके भाई ने घर आकर बेइज्जती महसूस की और जहर निगल लिया। उसने बताया कि यह मामला 22 मई 2018 का है। आज तक मेरा भाई सिविल हॉस्पिटल में दाखिल था और आज उसने डीएम तोड़ दिया। उसने बताया कि पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। मलविंदर सिंह जी, ये जी मेरे भरा का नाम राजेंद्र सिंह है जी। ये नाल कुटमार की चरने डॉक्टर ने जी चट्ठा, और नाल दे पिंड बड़ी बंगी है जी, रहा है जी। तो सुनियारे ने उदे घरे किराए की दुकान लई सी जी, उत्थे उन्हें कड़ा पॉलिश कराने लई दिता सी जी। वह मेरे राजेंद्र सिंह भरा ने जी, तो वह एक दो बारी कड़ा लैन गया जी, सुनियारा नहीं मिलया जी। तो राजेंद्र सिंह जो चौथी पंजवीं बार गया, मुड़ के उन्होंने फट के बहुत ज़्यादा कुटिया जी। तो उसकी वीडियो बनाई गई जी, पिस्तौल दिखाया गया जी, बहुत वो कोई वीडियो कोई गलत काम किया गया, तो बहुत वो बलसूकी की गई, वो बेइज्जती की गई। कुटिया कारण भी ये भी बिंद बिंद गेड़े मारदा है गया, वह कड़ा लैन से राजेंद्र सिंह। उस तो बाद वो घरे आके अपनी बेइज्जती महसूस बहुत ज्यादा कर गया, तो उन्हें जहर खा लिया मर गए। ये बंगी निहाल सिंह जी, पिंड बंगी निहाल सिंह जी, 22 तरीक की गल है जी, तो उम्र वो 17-18 साल सी जी। सर हुण तक पूरा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, असी बहुत बहुत इन्हों बहुत पुलिस क्या जी, कुलविंदर सिंह थानेदार एस आई उन्होंने कोल साडा केस है जी, उन्होंने साड़ी कोई सुनवाई नहीं की जी। रामी थाना जी, हजे तक कोई भी बंदा अरेस्ट नहीं होया जी। हुण भी हजे भी कहिंदे कोई नहीं करांगे कार्रवाई, ए नहीं कहिंदे भी थोड़े बंदे असीं फड़ांगे जां नहीं, हजे भी कहिंदे कोई नहीं कहिंदे। हजे भी अगर किसी नूं अरेस्ट नहीं पांदे तां तुसीं की करोगे इस तरह? असीं कोई धरना लावांगे जी, कुछ करांगे जी, जिहड़ा साडे कोई होया जी। हाँ जी, जिन्ना चेर साडा इंसाफ नहीं हुंदा जी, उन्ना चेर असीं संस्कार नहीं करते लाश का जी। धरना लावांगे जी, सारा कुछ करांगे जी। डेड बॉडी जी इत्थे पोस्टमार्टम हो जांदा जी, उत्थे पई है जी, सिविल हस्पताल जी बठिंडा जी। राजेंद्र सिंह बंगी कलां दा एक लड़का हैगा, 32 साल की उम्र हैगी है। वो कुछ दिन पहला उहदा कुटमार का मामला साढ़े ध्यान च आया सी, उन्हें अपनी बेइज्जती नाल सहारते हुए जिहड़ा सी पॉइजन लई सी, पॉइजन करके हॉस्पिटल एडमिट सी। वो रिगार्डिंग असी FIR दर्ज पहला कुटमार की सी, राती उसकी डैथ हो जाने कारण असी 306 IPC का जोड़ा वाधा जुर्म किया है, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं जी। उस तो बाद दिन जी कार्रवाई होगी उन्होंने चलेंगे। हाँ जी, 306 की FIR दर्ज हुई है, वो एक संदीप सिंह नाम के बंदे असी अरैसट किया, तो अज ये जुर्म का वाधा हो गया, असी जो दोषी उन्होंने जल्दी गिरफ्तार कर। बाई नेम दो बंदे है, चार अणपछाते बंदे है, बाकी पांच बंदे रहिंदे है अरैसट लई, एक बंदे दी अरैसट पा ली है, बाकी अज जल्दी उन्होंने अरैसट कर लिया। मेरा नाम सरजीत कौर है जी। मेरे पोते नाल जी, उसने कड़ा दिता सी बनाने, उन्हें सुनियारे की दुकान सी, वो घर बार बूरे रोड ते जा वड़िया, उतों उन्हें एक दो गेड़ा मारिया, फिर उन्हें कोई सुनियारा नहीं मिलया। उन्होंने दूजी तीजी बार गया, उदो मिल गया,
फिर उन्होंने उत्थे फड़ लिया रोड से मोटरसाइकिल खड़े रहा चाबी कोई लै गया कढ़ के उन्होंने अंदर लै गए अंदर उन्होंने वीडियो भी बनाई वह बुरा हाल भी वो पता नहीं कहें कैमर च बनाई गई सानू मुंडा दसदा भी मेरी वीडियो भी बनाई बयान दे के मुक्या वो ते असी गरीब आदमी हैं असी इन्ना पैसा नहीं ला सके ओदी मौत होगी जे वो साढ़े बराबर तो खड़ जाता जे उन्हें कुटमार करी सी तां ते उन्हें पिस्तौल विखाया उन्हें मजबूर किया जहर खाने लई तां उन्हें स्प्रे पीती सैन भी करा ले कुटमार के जी पिस्तौल दिखा के धमकियां दित्तियां ते हुण ताईं कोई कार्रवाई पुलिस वाले ने नहीं करी असी थाने च खड़े असी आख्या भी कुलविंदर तू कित्थे है थानेदार नूं कहा थानेदार कहिंदा मेरा तो नाका लग्या होया बाहर मैं तो है ही नहीं फिर नहीं असी कहा तेरे थाने च खड़े हैं असी फिर कहिंदा मैं तो इत्थे ही हैं फिर सानू उहदा कमरा थह गया असी उत्थे गए सानू मुड़िया नूं तां तुप्पे करता बाहर धक्के मार के कढ़ता मेरे पुत्ते नूं कुछ माड़ा मोटा आख्या उन्हें करांगे करांगे कुछ कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं की जे संदीप सिंह सुनहरे सुनहरे का नाम तो पक्का तो नहीं पता पर मैं संदीप सिंह है मेरा पोता मेरा जाता हों को पालस के कड़े की खातर जाता हों तो हूँ कानूनी कार्रवाई कोई भी नहीं करी गई जे सा गरीबा का हों बच्चे बच्चे चक के जेल तो देंगे उन्होंने किसी नही बुलाया इन्होंने इन्होंने पता नहीं रुपये खा ले पता नहीं इन्होंने रिश्तेदार है पुलिस वाले पता नहीं की है असी कुछ भी नहीं कर सकते जे उन्हें मार कुट करती सी पैसे ला के साडे पुत नूं बचा तो लैंदा कानून किन्नी गलती है 5 दिन हो गए जी साडे जवाब की कोई सुनवाई नहीं की हुण बयान भी दिते ने लिखे ने चुन वड्डे दो वार मुड़ के आए दो वार उथों मुड़ के मुड़ गए बुट्टा सरकार साडे कोल की मंगदी है पैसे आए नहीं साडे जी बच्चे दे लाइए कोहनां नूं दीए बयान बयान देण लई जदों आख्या उहनूं जूड़ कच्चा बयान लिया वी एडा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।